हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद अच्छर पटा गॉसिप। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी खबर कि कुछ ऐसी बॉलीवुड में हसीनाएं हैं जो एसआर के साथ काम करने के लिए मना कर चुकी है। एसआरके के साथ भाई साहब, आइए एक नजर डालते कि कौन महिलाएं थी जिन्होंने एसआरके के साथ काम करने से मना किया और वजह क्या था भाई। पहली है नयनतारा। इन्हें चेन्नई एक्सप्रेस का आइटम सॉन्ग 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर का भी ऑफर मिला था, बट इन्होंने साफ इनकार कर दिया। वजह ये था कि उस वक्त इनका ब्रेकअप हुआ था प्रभु देवा के साथ और वो गाना का शूटिंग उनका छोटा भाई करते, इसके वजह से उन्होंने इस गाने के लिए साफ कर दिया इनकार। दूसरी हसीना है अमीषा पटेल। उन्होंने दो मूवी का ऑफर साफ ठुकरा दिया जो काफी ब्लॉकबस्टर हिट गया था, चलते चलते और मुन्ना भाई MBBS। रीजन ये था कि उनका जो डेट था वो उनके मूवी डेट से मैच नहीं कर रहा था और इन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। उसके बाद समर्था को नयनतारा से पहले जवान का ऑफर मिला था, बट उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें अपनी गृहस्थी जीवन में ध्यान देने का अभी ज्यादा दिल है, ना कि मूवी इंडस्ट्री। उसके बाद जो दूसरी हसीना है वो है श्रीदेवी, जिन्हें डर मूवी का ऑफर हुआ था शाहरुख खान के साथ, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसके पीछे कोई भी वैलिड रीजन नहीं था। करिश्मा कपूर जो शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है, उसके बाद शक्ति द पावर में भी नजर आ चुकी है, बट कुछ होता में उनका जब ऑफर मिला था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस मूवी के लिए। सोनम कपूर को भी शाहरुख खान के साथ काम करने का ऑफर मिल चुका है, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये बोल के कि फैंस को उन दोनों का केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगेगा। हेमा मालिनी, शाहरुख खान के साथ मिलकर दिल आशना है मूवी में काम किया था, बट उनका ये बोलना है कि उनका दिल नहीं था क्योंकि उन्हें शाहरुख खान का एक्टिंग नहीं पसंद। सो कंगना रनौत को भी तीनों खान के साथ हमें कभी देखने को नहीं मिला, हालांकि वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, बट कभी भी उनके साथ वो काम नहीं की है। सो आपको आज का खबर कितना तक अच्छा लगा, पिन योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक लेट, बाय बाय।